मतलब काफी मन था मिलने का, तो आज फाइनली आप मिल ही गए। यहाँ पे लायन है कि टाइगर है? कोई भी माइंड योर हेड भैया। आवे सिंह तुम लंबे हो, हाँ अपना सर नीचे बचा के चलना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे माइक लगा रखा है। ओ संभाल के नो नहीं, ये पकड़ना बेटा मेरे हाथ में, मैं फोन नहीं चला सकती ना। बच के चलना, बच के। मैं ही ना सर पे फोड़ लूं अपना सर। पता चल रहा है सारे लोग घुट जाएंगे यहीं पर। देखो यहाँ खतरा क्या, ये अगर घुस सकता है तो कोई भी घुस सकता है। उनके पीछे भी कोई खड़ा है, अगर वो चले जाएंगे तो फिर वो भी चले जाएंगे। सबके साथ हमारे यहाँ की टीम में फंस चुकी है। आगे रोशनी दिख रही है। हाँ दिख रही है। आउच भाई, बहुत नीचे है, संभाल के। यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे है। नहीं मैं पकड़ के चल रही हूँ बेटा, ये हाय रे। चलो ना पहले तुम चलो, साड़ी पहनी अपने। अरे मैं चल जाऊंगी, तुम चलो, कोई नहीं, डोंट वरी। कुछ भी नहीं, मैं पकड़ के चल रही हूँ। कितना मजा आ रहा है नोनी, लेकिन वैष्णो देवी में भी ऐसा ही है पता है। यहाँ के पत्थर कितने चिकने, हाँ लेकिन थोड़ा वो और ज्यादा संकरा है, वो अलग टाइप से। वो तो बहुत लंबी भी होगी। हाँ वो लंबी। हाँ हे राम जय। अरे बाप रे, दो हाथ। अरे नहीं तेरा हाथ नहीं दूंगी, हाथ दो। तो मेरा फोन पकड़, तो मेरा वीडियो ले ले। चल तो मैं खुद ही जाऊंगी। चल कुछ नहीं है भाई। कुछ होगा वहां पे एक्सरसाइज तो नैनीताल में जब से आए तब से हो रहा है, जो खा रहे हैं सब डाइजेस्ट, फिर वापस भूख लग रही है थोड़ी देर में ही। खाना खाने जा रहे हैं, खा के आ रहे हैं और फिर भूख लग रही है। कल यही हुआ एक्चुअली। फोटो खींचनी है, चलो तेरी फोटो खींच देती हूँ भाई। मजा आ गया एक्चुअली। केव को देख के आपको लग रहा होगा वो भयानक है एक्चुअली, चढ़ने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। नोनी मेरे को बार बार बोली है मम्मा आप चढ़ो, पहले आप चढ़ो। क्योंकि मैं पहन के आ गई हूँ साड़ी, खतरनाक है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अब यहाँ से ऊपर चढ़ना है भाई। वो वाली केव में बीच बीच में डर लग रहा था, क्योंकि कहीं कहीं पे ना बहुत ज्यादा श्रिंक हो रहा था, और दो जगह पे पैर स्लिप होते होते बचा, क्योंकि मैंने स्लीपर जैसे पहने हुए। क्या सच्ची में मुझे कुछ डर नहीं लगा, ना ही मुझे टेंशन लगा, क्योंकि मुझे पता था दूसरा रास्ता जरूर आएगा, तो मैं करता गया जिस हिसाब से। और आपको डरने की जरूरत नहीं, केव में जाते वक्त दूसरा रास्ता जरूर होगा, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं वहाँ पे दूसरा रास्ता था जहाँ से पापा गलती से निकल गए, वो शॉर्टकट था। हम लोग लॉन्ग वाले रूट से आए, जो की आगे जाते जाते पापा मतलब थोड़ा सा बचा होगा मुझे लगा यहाँ से वहाँ। अब इसमें तो जाऊंगा नहीं। नहीं है पापा, चलो चलते हैं। नहीं है, खुल जाता है, चलो एक्सपीरियंस है भाई। पीछे अब नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? यहाँ तो कोई निकलने का रास्ता। ओ और वहाँ पे कैसा है सीन? कहाँ है पापा? पापा कहाँ है? दिख रहे हैं क्या? हाँ वो तो ऊपर से गए, बट यहाँ से तुमको दिखाई दे रहे हैं पापा? आवाज तो आई थी पापा की अभी। तू आगे मत जाओ, अभी नोनिया आ रही है ना, वो पतली है, निकल लेगी वो। ऊपर देखने चला गया।
ये रही ये डेरिंग बाजा लड़की भाई, देखो कहाँ कहाँ से निकल रही है, देख रहे हो दिमाग खराब हो गया। सारे डेर यहीं पे कर रही है, दूसरों को भी गाइड कर रही है, आ जाइए कुछ। अरे लेकिन खतरनाक है नोनी यार, इतना गहरा अभी फंस जाए तो निकालेगा कैसे कोई भाई। देखो कैसे लोग निकल रहे हैं। तो क्या बेकार डेरी, ये सब फालतू काम है। पापा आपको वहां से आना चाहिए, छोटे वाले से। हाँ वो पानी को पानी से डर नहीं लगता, लेकिन इसमें सांस घुटने का रहता है ना रणधीर, एकदम से ऐसा लगता है जैसे बंद से डर। हाँ बंद से डर लगता है, वही सीन है। चलो जी जाने वाले। नहीं जाओ, नहीं नहीं जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक आगे जाके रात को। एक बात बताइए, बंद कमरे लिफ्ट से फोबिया? हाँ, मुझे सफोकेशन है। अच्छा बस मत जाना। वो इनको भी है, लेकिन कोई कोई मैं नहीं जाऊंगी। चल टाइगर के नहीं, जबरदस्ती का कोई मतलब रिस्क थोड़ी। टाइगर के मैं ना टाइगर में चला गया था, लेकिन ये देखिए जी यहाँ पर ये है, क्या कहते हैं इसको, टॉकिंग ट्री। ओए पेड़ जाओ। हेलो अभी उठेगा। हेलो हाँ उठ गया, देखा। चलो जी अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हो गया आज का हमारा केव देखने का, अब यहाँ से जाते हैं दूसरी जगह। हाँ फॉरेन जाने का मन तो तब करे जब आप इंडिया पूरा घूम लो, अपने इंडिया में ही इतनी सुंदर और इतने सारे एक्सप्लोर करने के लिए जगह है कि आप उसको करते करते ही थक जाओगे और आपको बहुत सारा टाइम इसमें देना पड़ेगा कंटिन्यू। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, ये चीज़ों को देखते हैं, तो एटलीस्ट 2-3 साल तो कहीं नहीं गए पूरी इंडिया को देखने के लिए, उसके बाद बाहर का ट्रिप कर सकते हो। बहुत सुंदर लगा, केव वगैरह है यहाँ पर। पापा थोड़ा डर रहे थे बट मैंने किया, नोनी ने किया, और नोनी ने तो सारे ही कर लिए। आवी का भी दिल था करने का, क्या हुआ? अगर आप यहाँ आएंगे, हाँ मैं कह रहा हूँ टाइगर और पैंथर दोनों इजी है। हाँ इजी है, आपको दिखने में हार्ड लगेगा लेकिन है इजी। आपको बस छोटे वाले जो गुफा है ना वहाँ से निकलना है, मैं खुद ही निकला हूँ। तो हो सकता है, कुछ नहीं है, आपको बस दिमाग लगाना, दिमाग का खेल है और पैनिक नहीं होना है। चलिए जी हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं, आप चलते हैं दूसरी जगह पे। कहाँ जा रहे हैं चलिए देखिए। अच्छा ट्रैकिंग पॉइंट है, यहाँ से क्या करते हैं? जाते हैं पहाड़ों उसी जंगल में। ओ वो जो लगा के वो क्या कहते हैं, हार्नेस वगैरह लगा के? अच्छा वैसे पैदल है। ओके खाई है, नहीं जाना उधर। भुट्टा है बॉयल हो रहा है, देखो पानी डाल के बॉयल कर रहे हैं। नहीं हाथ में रखो, मेरे बैग में टूट जाएगा ना बेटा। ओ वाह कितना सुंदर जगह लग रहा है। हाय रे इसलिए इसका नाम उसका कौन रखा? हाँ इसलिए रखा होगा। ये जी ये है पीछे हमारे पॉइंट, दोनों पता नहीं क्यों बोलते हैं, कोई बेवकूफ लोग होंगे जिन्होंने अब पता नहीं क्यों किया होगा, तो ये पॉइंट बन गया। यहाँ पे अभी खाने पीने का सामान मिल रहा है और लोग यहाँ पर आकर खड़े हुए फोटोज खिंचवा रहे हैं, लेकिन व्यू बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं पीछे बहुत सुंदर पॉइंट है, देखिए अच्छा लग रहा है। आवी की क्योंकि तबीयत ठीक है तो उसको हम लोग कर्ड राइस दिए हैं खाने के लिए, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दही, दही के ऊपर हल्का सा नमक। आवी नमक डाला तुमने? ये दिया ताकि इसका पेट ठीक हो जाए, तो शाम को जब हम होटल वापस आए तो डिनर प्रॉपर कर सके। दवाई खानी है इसके बाद में तुमको, पेट ही गड़बड़ हो गया तुम्हारा ना, मैं सोच रहे थे जबकि चिकन विकन खाएंगे अब तुम है ना। तो अभी हम लोग 3-4 चीजें घूम चुके हैं, देखते हैं अभी और क्या क्या घूमना है, मैं घुमाती रहूंगी आपको। मनसा देवी मंदिर आ गए हम लोग,
अब क्योंकि हम सुबह ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, थोड़ा सा अंडे वंडे का तो अंदर जा नहीं सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर है मनसा देवी माता रानी, ये देखिए यहाँ पर शिव शंकर गुफा। अभी ये भी एक गुफा है, देखो ये जो है ना, ये भी एक गुफा है। अभी तुमने जूता पहना है बेटा, ज्यादा आगे मत जाओ। चलो कहाँ जाना है नोनिया, साइड हो, गाड़ी आ रही है भाई। मनसा देवी मंदिर जाओ, जाओ माता रानी जाओ, जाओ नीचे है माता रानी जाओ। नोनी करिए, यहाँ पर ये शिव शंकर गुफा है। अब कितना डीप है ये पता नहीं है, हा? क्या वो तो मूर्ति रखे है ना, बट ये गुफा है यहाँ पर, अंदर कितना गहरा है ये नहीं पता है। हाँ शिवलिंग तो रखे हैं।